अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं किस तरह से ये डिज़ाइनिंग सा अंडर कैप या फिर तुरबान भी आप लोग कह सकते हो, किस तरह से इसको बना सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। और मेरी चैनल पे इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो कैप्स हैं और अंडर कैप्स है, हिजाब कैप्स है, जो भी नाम से आप लोग पुकारते हो, वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को फैब्रिक को फोल्ड करके लेना होगा टू टाइम। करने के बाद जो मेजरमेंट है वो किस तरह से आप लोगों को लेना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो सर है उसका सर्कल जो है वो हमको लेना है, यानी कि 22 इंच का ये वाला पार्ट ये, और जो बैक पार्ट है बैक पार्ट पे हम लेंगे यहाँ से इस तरह से लेके यहाँ तक हमारी आते हैं तकरीबन 9 इंच, पर हम यहाँ पे लेंगे 10 इंच क्योंकि हमें यहाँ पे एक राउंड जो पार्ट होगा वहाँ पे हम लोगों को स्टिच देना है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लेना है 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्क कर दिया है। देने के बाद यहाँ पे हम एक कर्व लाइन देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद दिखने में ऐसा होगा, मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ ऐसे। और अब हमें यहाँ पे स्टिच करना है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, छोटा सा बेल्ट के जैसे हमें बनाना है जो हमारी जो तुरबन है उसकी फ्रंट पे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। करने के बाद इसकी लंबाई आप लोग ले सकते हो जो आप लोगों को पसंद है। यहाँ पे एग्जांपल 6 इंच हमने लिए हैं और इसका चौड़ाई हमने लिया है तकरीबन 4 इंच का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जितना हमें ज़रूरत है यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम लोगों को स्टिच करना है। तो ये है दो पार्ट्स जो हमें चाहिए। तो हम स्टिचिंग के चले जाते हैं। यहाँ पे ये स्टिचिंग हम कर रहे हैं और तकरीबन 2 इंच फैब्रिक हम इसको छोड़ के यहाँ पे बाकी वाला फैब्रिक को स्टिच कर देंगे। और ये जो फैब्रिक हमने लिए हैं, जो एलास्टिक टाइप का जो फैब्रिक्स होती है, वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे आता है कि फैब्रिक पे स्टिचिंग नहीं होती है, एलास्टिक फैब्रिक पे बेसिकली स्टिचिंग नहीं होती है क्योंकि जो मशीन्स है वो इसको खींच नहीं सकते क्योंकि बहुत एलास्टिक होती है। सो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग स्टिचिंग करोगे, स्टिचिंग का जो साइज़ है उसको थोड़ा बिग साइज़ का लोगे फर्स्ट, एंड सेकेंड आप लोगों को फैब्रिक को आप खुद खींच के स्टिचिंग करना है। तो इससे होगा क्या, स्टिचिंग जो है वो अच्छी तरह से कपड़ों पे बैठ जाएगा। और छोटे अगर आप लोग लेते हैं तो स्टिचिंग नहीं पड़ती है, आप लोगों को बिग साइज़ का स्टिच लेना है। हम इसको घुमा के राइट तरफ ले आए हैं। ले आने के बाद हैंड स्टिच देंगे तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर्स का फैब्रिक हमने छोड़ के यहाँ पे हमें जो पैलेट है इसको बनाना है क्योंकि इसको हम जो राउंड वाला पार्ट है उसको स्टिचिंग करते हुए हमें क्लोज करना है, जो पूरा राउंड है उसको एक करना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टिच कर रहे हैं हैंड से। इसी तरह से ये मेजरमेंट जो मैं बता रही हूँ, ये बेसिकली जो चौड़ाई था जो 10 इंच हमने लिए थे वो थोड़ा कम लिए क्योंकि ये मैंने मेरी बेबी के लिए बना रही हूँ। सो इसीलिए मैं थोड़ा कम लिया हूँ। अगर आप लोग एडल्ट पर्सन के लिए लेना चाहते हो, अगर आप लोगों का बहुत हेयर हो तो आप लोग यहाँ पे 10-11 से 12 इंच ले सकते हो क्योंकि मेरी बेटी की सर पे बहुत बाल है। सो इसीलिए मैंने ये थोड़ा बिग साइज़ का बनाया जो उसका बाल है वो कवर हो सके। इसीलिए जब ये हो जाएगा उसके बाद हमें ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखो, 3 पैलेट्स को एक साथ हम लेके यहाँ पे इसको एक कर देंगे। करने के बाद तकरीबन 1 इंच का स्पेस हमने छोड़ दिए हैं
देकर ये जो बेल्ट है इस बेल्ट को हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हैम स्टिच स्टिच करेंगे क्योंकि ये एलास्टिक फैब्रिक है, स्टिचिंग के समय बहुत ही दिक्कत होती है इसको फिक्स करने में। सो आप लोग इसलिए इसको पहले हाथों से स्टिच करो, उसके बाद आप लोग मशीन से स्टिच कर लो। जब ये स्टिच हो जाएगा अब हमें क्या करना है, ये जो खुला हुआ पार्ट है इसे हम लोगों को क्लोज करना है, तो इस तरह से। तो ये इसका तरीका भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, नीचे से हम लोगों को पहले इस तरह से लेके हमें इसको क्लोज करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेके हम लोगों को इसको बंद कर देना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से मैंने ये बताया। जो लोग नए हो अगर मेरी ये वीडियो को आप लोग फॉलो करते हो, इंशाल्लाह आप लोग इजीली इसको कर सकते हो और बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हो। और ये टाइप की जो कैप है या फिर टर्बन है ये बाज़ार में इतनी अच्छी तरह से नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने देखा है ये बहुत अवेलेबल नहीं है। सिर्फ नॉर्मल जो कैजुअली जो कैप्स होती है वो ये मिलता है, इस तरह की जो टर्बन है या फिर कैप है वो नहीं अवेलेबल होती है। सो आप लोग इस तरह से इसको घर पे भी बना सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ज्वेलरी भी लगा सकते हो जहाँ पे हम स्टिच कर रहे हैं, स्टोन से या फिर बिग साइज का फ्लावर भी लगा सकते हो। सो यहाँ पे गाइज ये तैयार हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हो। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। बाय।